तो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला है चेन्नई बनाम गुजरात एंड ये खेला जाएगा द चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक चेन्नई विन प्रिडिक्शन इस गेम के लिए है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ एंड आप अपने विन प्रिडिक्शन का अच्छा प्रयोग कर सकते ओपिनियन ट्रेडिंग ऑन रियल इलेवन और माई मास्टर इलेवन

कैसे खेलना है आपको सीरीज लीडरवुड ज्यादा से ज्यादा आप जो अपनी ग्रैंड लीग है वहां पे आप अपने टीम्स लगाइए जैसे आपको दिख रही है ग्रैंड लीग यहाँ पे स्क्रीन पे फोर्टी सेवन रुपीज की यहाँ पे ग्रैंड लीग है एंड सिर्फ सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्पोर्ट सो so, कॉम्पिटिशन काफी कम तो जाइए ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा टीम्स के साथ आप अपू तो ट्वेंटी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं सो गुड चांस डोंट मिस आउट एंड अब चलते हैं आगे की तरफ rate, fantasy, and पे आपको मिल जाएंगे फाइनल अपडेट्स अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि जो आगे के वीडियोस है उसको ये नोटिफिकेशन आपको आते रहे वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर वेदर अगेन फॉर दिस गेम नॉट टू मच चांस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस तो ये एक अच्छी न्यूज यहाँ पे एंड पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पहले गेम में थोड़ी सी ड्राई थी पिच थोड़ी सी हेल्थ थी स्पिन बट अच्छी खासी पिच थी ऐसा नहीं था कि स्क्वायर टर्न कर रही थी ऐसा कुछ था सो ऑल इन ऑल एक गुड कंपेटिटिव गेम हमें देखने को मिला एंड चेन्नई ने आसानी से वहां पे चेज भी कर लिया सेकेंड इनिंग्स में बैट पे थोड़ी बेटर आ रही थी बॉल तो आई थिंक एक चेजिंग ग्राउंड ये बन सकता है एटलीस्ट द टूर्नामेंट हमने देखा था वर्ल्ड कप में यहाँ कुछ टर्न थी अबाउट टू पॉइंट नाइन डिग्रीज एंड लास्ट ईयर भी हमने अबाउट थ्री पॉइंट टू डिग्री ड्यूरिंग दी आईपीएल यहाँ पे देखी थी टर्न की बात की जाए तो मथीशा पतिराना जैसे आपको पहले भी कहा था प्लेंग की की तो रचन रविंद्रज एक्सपेक्टिंग सेलेवन फॉर दिसम सिर्फ एक चेंज क्योंकि तुषार देश पांडे डेथ ठीक नहीं रहे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शार्दुल ठाकुर के यहाँ पे स्लॉट मिल जाना चाहिए वाइल जी की बात की जाए तो वापस सिमिलर इलेवन बस एक कंसर्न है कि आप कौन से बोलर यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि उमेश and spencer johnson both thrive of pace and bounce in conditions में उतनी मिलती नहीं तो देखेंगे when team creation की कौन से दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास बट क्योंकि दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया स्पेशली स्पेंसर इन द लास्ट गेम तो अभी के लिए आई डोंट थिंक कि वो वहां चेंज करेंगे तो चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स द चेन्नई सुपर किंग्स एंड समझते हैं कि क्या होंगे उनके टीम के प्लान्स इस गेम के लिए तो पहले है रचिन रविंद्र लास्ट गेम में एक भी बॉल बोलिंग नहीं की थी इन्होंने बट एक्सपेक्ट कर रहा करा हूं कि विद द बॉल भी कुछ रोल हो सकता है उनका वन मैच में थर्टी सेवन रन चेन्नई जो लास्ट गेम था पहला गेम था उनका वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ कुछ खास लास्ट गेम नहीं किया बट वर्सेस जी टी का एवरेज है थ्री रन एंड एट चेन्नई आप ऑलरेडी जानते हो काफी अच्छे नंबर है इनके भी सो आई एम एक्सपेक्टिंग की आई थिंक एक अच्छा कम बैक यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेसेज है अब यहाँ पे मे बी उतनी मूवमेंट ना हो तो इनका काम वहां पे बन सकता है डारिल मिचिल कोर्स मेरे हिसाब से एक प्लेयर चेन्नई के लिए इस सीजन लास्ट गेम में जो पहला गेम था इनका ट्वेंटी मारे एंड ठीक ठाक लगे थे बट फिर डिसमिस हो गए कुछ इम्प्रेसिव सिक्स उन्होंने हिट किए अजिंके रहाने जैसे मैं कहता आ रहा हूँ इनके जो नंबर्स है चेन्नई वो एक बड़ा कंसर्न होगा एंड वर्सेस राशिद वो टास्क कोई आसान नहीं होने वाला GT, matches, 44 runs, and कुछ खास नहीं तो देखते हैं इस में क्या पा कर लाते हैं शिवम दुबे, matches, runs, GT, Chennai, matches, runs, an तो ठीक ठाक नंबर है बट मेरे हिसाब से जो राशिद वाला मैचअप होगा वापस एक कंसर्न पॉइंट हो सकता है एक जो इंटरेस्टिंग चीज दुबे गायकवाड साहब ने राशिद को काफी ठीक ठाक खेला है टाइम वॉटसन ने भी उनको काफी अच्छा खेला था तो लेट्स सी की कैसे जाता है जडेजा जी टी फोर मैच फाइव काफी अच्छे नंबर स्पेशली विद एंड चेन्नई में तो नंबर उनके अच्छे ही है मेरे लिए टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट इस मुकाबले में एम एस धोनी सिर्फ ट्वेंटी टू रन वर्सेज जी टी ऑफकोर्स इनकी बैटिंग ऑपरचुनिटी काफी कम

आपको टू ट्रिपल नाइन भरना होता है आपकी एंट्री फी फॉर द का प्राइस पे दाइस फाइव जीरो है। तो काफी बड़ा फर्क है बिल्कुल ज्वाइन करके ट्राई करिए देखिए आपको ऐप आप पसंद आए तो खेलिए अब चलते हैं आगे की तरफ शार्दुल ठाकुर आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू प्ले दिस गेम बट वर्सेस जीटी कुछ खास नंबर्स नहीं तीन मैच में एक भी विकेट नहीं एन एट चेन्नई इनके नंबर्स काफी ठीक नौ नौ मैच में बारह विकेट सुलेस सी मौका मिलता है कि नहीं दीपक चेहर अच्छे नंबर्स अच्छे मैचअप्स तीन मैच में तीन विकेट वर्सेस जीटी एंड एट चेन्नई चेन्नाईन मैच महेश जी टी एट चेन्नई में नंबर्स बहुत ही ज्यादा खराब एट मैच में सिर्फ तीन विकेट हाँ पे बट ओपनिंग सामने गिल एंड साहा जिनके थोड़े स्ट्रगल्स है चेहर के सामने भी एंड मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर वहां दूसरे एंड से आ गए सो मे बी इस गेम में ये जो रिकॉर्ड है थोड़ा सा वहां पे सुधर जाए बाकी तो फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं रहा है ज़्यादा डिफेंसिवली यूज़ इनिंग्स में बेहतर कर पाए ऑन दिस स्पेसिफिक ट्रैक बट लेट्स सी कैसा जाता है इनके लिए मुकाबला रहमान लास्ट गेम में चार विकेट्स एक मैच में तीन विकेट्स वर्सेस डी भी तो बहुत अच्छे नंबर्स बिल्कुल आप लेके जाओगे स्पेशली वेन अब चलते हैं टीम गुजरात टाइटंस की तरफ समझते हैं क्या होंगे उनके तो दोनों डिपार्टमेंट्स में आपको यहाँ पे एवरेज बिलो थर्टी दिख रहा है जैसी बैटिंग करते हैं इन्हें छोड़ना बहुत ज्यादा रिस्की होगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट ये रहते हैं बहुत लोगों के लिए मे भी आप वो चीज एलिमिनेट कर सकते हो अगर इन्होंने चेज आपको लग रहा है कि ठीक ठाक स्कोर बन गया तो तब आप इन पे रिस्क ले सकते हो मेरी गट फील है कि इनकी चेहर के सामने भी इनके नंबर्स कुछ खास नहीं है मे भी आप चांस ले सकते हो इस गेम में स्पेशली विध चेहर थी अगर आइदर एंड से बॉलिंग कर ले इनका जो मैचअप है वो भी आगे डिस्कस करेंगे आप रिधिमान साहा वर्सिज सी एस के ट्वेंटी नाइन के एवरेज एन एट चेन्नई सिर्फ सोलह का एवरेज बट क्योंकि आपका जो दूसरा कीपिंग ऑप्शन है बहुत लो बैटिंग करते हैं NC आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस बन जाते हैं ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं साई सुदर्शन टू मैच हंड्रेड एंड एटीन रन सी एस के एट चेन्नई काफी डोमेस्टिकली खेल चुके हैं एट मैचेस एंड का एवरेज सो ऑफकोर्स ये रहेंगे आपकी टीम में काफी अच्छे नंबर इनके डेविड मिलर एट चेन्नई बहुत बड़ा कंसर्न ट्वेंटी का एवरेज पांच मैचेस में एंड वर्सेज चेन्नई फोर्टी टू एवरेज सो वाइल इस टीम के सामने अच्छा किया है मैं कहूंगा कि एट चेन्नई क्योंकि पिच का नेचर ऐसा है एक कंसर्न पॉइंट रहेगा एंड बिल्कुल इन्हें टारगेट किया जाएगा विद स्पिन अजमतुल्लामर जाए ये ऐसे टाइप के बॉलर हैं जो अप्रंट मूवमेंट होती है तो इन्हें मदद मिलती है एंड विद द विदिन ठीक ठाक खेलते हैं तो वो चीज उनके फेवर में चलेगी प्लस इनका जैसा रोल है टीम में वापस इन्हें इन पर रिस्क लेके मतलब नहीं क्योंकि टॉप फोर फाइव में बैटिंग कर रहे हैं आपको तीन से चार ओवर डाल के देंगे तो फैंटेसी वैल्यू कहीं ना कहीं से निकल के आई जाएगी विजय शंकर एक और होम बॉय बहुत सारे होम बॉयज हैं इस स्पेसिफिक टीम में एंड uh, इनको भी पिच में भी उतनी कुछ खास सूट ना करें क्योंकि ये ड्राइव खेलना पसंद करते हैं ये जब बॉल ऑन टू द बैट अच्छे से आती है तब वो ड्राइव फ्लरिश होते हैं वर्सेस सी एस के एट मैच वन सेवेंटी सिक्स रन वाइल राहुल तिवटिया की बात की जाए तो सेवन मैचेस एट रन एंड सेवेंटीन का एवरेज सो नथिंग टू इम्प्रेसिव एंड ये काफी लो आएंगे मे बी इनकी लेग स्पिन थोड़ी ऑल्सो ए करेक्शन विद रिगार्ड्स टू विजय रखिएगा ताकि ऐसा कोई ना कहीं की नंबर नहीं बताए राशिद खान 15 मैचेस 14 विकेट एंड वन ट्वेंटी चेन्नाई एंड एट चेन्नाई सेवन मैचेस एट विकेट फोर्टी सेवन रन ये भी एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट स्पेशली

एक्सचेंज ट्वेंटी है don't forget to join in, का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा रियल कैश जस्ट फॉर तो कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स यहाँ पे शुभमन गिलीपक चैर सेवेंटी थ्री साहब रिधि दो बार आउट हुए दीपक चैर के सामने तो ये डेफिनेटली प्लेयर वर्थ कंसिडरिंग एक जो प्रॉब्लम है दीपक चयर की कभी कभार उनकी पेस कम है जो साहा एंड जैसे क्वालिटी प्लेयर्स फिर नेगोशिएट कर जाएगा उनका मूवमेंट बट मैचअप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक मैं करूंगा राशिद खान थिंकूंगा पे नंबर्स ठीक ठाक बट एक बार आउट भी हुए तो ये होगा एक मिडलिंग मैचअप मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पे पिच फेवर करेगी राशिद को तो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग मैचअप टू तो वॉच आउट फॉर अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम तो फैंटेसी टीम की बात की जाए तो वील स्टार्ट क्रिएटिंग टीम फ्रॉम द कीपिंग सेक्शन एंड डिसाइड करेंगे पिक आफ्टर पिक फ्रॉम द कीपिंग सेक्शन अभी के लिए रिदिमन साहब जैसे मैंने कहा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक होने चाहिए क्योंकि धोनी काफी लो बैटिंग करेंगे इन द बैटिंग सेक्शन साई सुदर्शन आई थिंक जिस टाइप के कंडीशन उन्हें सूट करने चाहिए डेरिल मिचिल शुड बी एन इम्पोर्टेंट चॉइस ऋतुराज गायकवाड भी एक अच्छे पिक होंगे एंड शुभमन गिल पे जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा सा फिफ्टी फिफ्टी हूँ बट अभी के लिए बेस टीम में लेके जा रहा हूं ऑलराउंडर्स में रचिन रविंद्र में भी कुछ ओवर्स भी डाले हैं इस गेम में रविंद्र जडेजा एंड मेरे लिए लॉक पिक्स है फिर बात की जाए बोलिंग की तो राशिद खान डेफिनेटली वर्थ अर्थ नॉट कंसिडरिंग बट डेफिनेटली वर्थ वर्थ हैविंग एज कैप्टन एंड वाइस अर्थ है रहमान फर्स्ट बोलिंग करेंगे तो डेफिनेटली रहेंगे एंड मोहित शर्मा एंड अदर पिक स्पेशलीवन बोलिंग फर्स्ट अब आप यहाँ पे अलग क्या कर सकते हो क्योंकि ये जो पिक्स है सारे टॉप पिक्स है परफॉर्म भी किया है तो अभी के लिए मेरे हिसाब से जडेजा एंड राशिद खान आर द बेस्ट चॉइसेस रचिन रविंद्र भी ठीक ठाक पिक, पिक है बट प्रॉब्लम क्या है अगर आप इनके लास्ट इनिंग्स की हाईलाइट देखोगे तो दो तीन इनके जो एजेस हैं इनके नसीब से बाउंड्री पे गए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो नसीब उन्हें ना मिले जल्दी आउट हो जाए क्योंकि बॉलिंग भी नहीं की इन्होंने फर्स्ट गेम में तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ डायरेक्टली कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए तो ये रही बेस टीम अब समझते हैं कौन से होंगे वो डिफरेंशियल पिक्स एंड डिफरेंशियल पिक्स में आने के पहले डिस्कस करेंगे हमारे कैप्टन ग्रैंडली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी एंड हाई सिलेक्ट ड्रॉप तो लो सिलेक्ट आको दीपक चैर मैचअप बेस्ड महेशाना जो चॉइसेस बन जाते हैं राश्रजमत बोलिंग फर्स्ट एंड इन बोथ सिचुएशन रविंद्र जडेजा तो अब इसी इनपुट के बेसिस पे हम देखेंगे कौन से डिफरेंशियल पिक्स आप ले सकते हो एंड कौन से हाई सिलेक्ट पिक्स को आप ड्रॉप कर सकते हो तो बैटिंग सेक्शन से जैसे मैंने कहा शुभमन गिल बेस्ड ऑन कंडीशन एंड बेस्ड ऑन द पिच बेस्ड ऑन कुछ मैचअप डेफिनेटली एक पिक वर्थ कंसिडरिंग फॉर अ ड्रॉप उसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो रचिन रविंद्र के वापस अगर हमें कुछ साइंस मिलते हैं कि बोलिंग नहीं करेंगे तो आप उन पे एक चांस ले सकते हो बट इसपे मैं 50 50 हूं तो अभी के लिए टीम में रहेंगे वाइल बोलिंग सेक्शन की बात की जाए तो वन बिटवीन मोहित शर्मा एंड मुस्तफीज रहमान पे आप चांस ले सकते हो स्पेशली वर बोलिंग सेकेंड क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर अपने विकेट्स डेथ में लेते हैं एंड तब उस सिनेरियो पे आप कौन से प्लेयर्स को पिक कर सकते हो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ड्रॉप किसको करें बट कौन से होंगे वो प्रोस्पेक्टिव पिक्स दीपक चहर क्योंकि जैसे हमने उनके मैचअप देखे अच्छे है फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ी बॉल बैट पे इतनी आसानी से आएगी नहीं तो वहां पे इनका काम बन सकता है महेश तीक्षण एक और अच्छे पिक हो सकते हैं मैन बोलिंग सेकेंड अंडर प्रेशर कुछ विकेट्स वहां पे निकाल के दे सकते हैं आपको

जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए अस एट क्रिक ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर ऑल द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स एंड याद रखिए कि गिव अवे बिल्कुल ज्वाइन करेगा क्योंकि वो आप सभी के लिए है ऐप्स के लिंक्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट